काबुली चने की कीमतों में कई दिनों से अच्छी तेजी दर्ज की जा रही है। पिछले एक महीने से चने के दाम 15 रुपए प्रति किलो के करीब महंगे हो गए हैं। मध्य प्रदेश की उत्पादक मंडियों में नए काबुली चने की आवक फिलहाल कमजोर हुई है। जयपुर की राजधानी कृषि उपज मंडी कुकरखेड़ा में ब्रांड वाइज काबुली चने के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दाल कारोबारियों ने कहा है कि इंडो फ्रेश 95, 50-50, 115 तथा रॉयल चॉइस काबुली चना 120 रुपए प्रति किलो के आसपास जा पहुंचा है। गौरतलब है कि 75% काबुली चने की पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी काबुली चने का उत्पादन किया जाता है। उत्पादक मंडियों में काबुली चने का उत्पादन कम होने और हाजिर माल की तंगी के चलते काबुली में मजबूती को बल मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काबुली चने के भाव तेज होने से इसमें और तेजी के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। हालांकि किसी भी जीन्स की सीजन में आई तेजी नुकसानदायक होती है, मगर काबुली चने में इस बार प्रतिकूल खबरें आ रही हैं। जानकारों के मुताबिक बिजाई कम होने और प्रतिकूल मौसम के कारण काबुली की फसल एक महीने देरी से आएगी। अभी काबुली चने की आवक भोपाल और इंदौर में कम रह गई है। आंध्र प्रदेश की रायसीमा लाइन में भी काबुली चना कम आ रहा है। महाराष्ट्र के अकोला और जलगांव में भी काबुली की आवक अपेक्षाकृत कम दर देखने को मिली है। वर्ष 2019-20 में देश में 20 लाख टन काबुली पैदा हुआ था और उसके बाद वर्ष 2020-21 में उत्पादन 15 लाख टन रह गया और इस बार भी 14 लाख टन से ज्यादा पैदावार का अनुमान नहीं है। पुराना स्टॉक भी काफी घट चुका है। नए माल का मंडियों में प्रेशर नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि काबुली चने में और तेजी के संकेत बने रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।